उत्तर प्रदेश के जनपद बहराइच के ग्राम पंचायत गुरुदत्त सिंह गरेठी की प्रधान गीता देवी ने पूरी तरह से स्वच्छ भारत अभियान की उड़ाई धज्जियां। प्रधानमंत्री के स्वच्छ भारत अभियान की धज्जियां उड़ा रही है प्रधान गीता देवी। जनपद बहराइच के महसी के ग्राम पंचायत गुरुदत्त सिंह गरेठी के मजला चमारन गरेठी का हाल कुछ इस तरह की पूरा गाँव खंडर में तब्दील हो चुका है, लेकिन महसी ब्लॉक के वीडियो हुआ चमारन गरेठी के प्रधान गीता देवी की आंखें मंद है। गीता देवी का भतीजा पंकज प्रधान पत्नी का कार्य संभालता है, लेकिन उसका एक सूत्रीय कार्य जनता के साथ धांधली करना व जनता को बेवकूफ बनाना। इसी तरह भारत सरकार के स्वच्छ भारत अभियान की उड़ती रहेंगी धज्जियां। देखा जाए तो इस ग्राम पंचायत के अंदर वैसे तो कहीं शौचालय का निर्माण नहीं हुआ है, हुआ होगा तो इस चमारन गरेठी मजरा में एक भी शौचालय का निर्माण नहीं है। सारे घर कच्चे व फूस के बने हुए हैं। ग्रामीण सड़कों पर शौच करने को मजबूर है, संक्रामक बीमारियों के शिकार हो रहे हैं। ग्रामीण ग्राम प्रधान के इस कार्यशैली से असंतुष्ट है पूरा गाँव। आखिर कब तक चलेगा इस ग्राम पंचायत का यही तरह का कार्य? क्यों महसी वीडियो नहीं दे रहे हैं ध्यान? सारी सरकारी योजनाओं से वंचित है ग्रामीण। देखा जाए तो इस चमारन गरेठी में सड़कों पर निकलना दुश्वार हो रहा है, एक भी सड़क सही नहीं है, नाली खरंजा, शौचालय आवास, सारी योजनाओं से वंचित है ग्रामीण। जैसे कि आप देख रहे हैं इस वीडियो में किस तरह सड़कों का बुरा हाल है, राहगीरों को मजबूरी में गंदगी में पैर रखकर निकलना पड़ रहा है। बहराइच विकास खंड महसी में जहाँ पर कुछ नजारा ही दूसरा नजर आ रहा है, यहाँ पर देखा जाए तो सारी समस्याएं बढ़ी हुई है। आपको ले चलते हैं इस नजारे के साथ कि गुरुदत्त सिंह गरेठी, यहाँ पर देखा जाए कि 5 साल प्रधानी को पूरे होने को आए लेकिन कोई भी योजना नहीं, ग्रामीण सारी योजनाओं से वंचित। आखिर कैसे करे ग्रामीण अपना जीवन यापन? इनकी समस्याओं को सुनने के लिए कोई नहीं। सरकार की योजना हर घर शौचालय व पक्के होने चाहिए, लेकिन इस बाढ़ पीड़ित इलाके में किसी भी प्रधान या अधिकारी की नजर नहीं पड़ रही। क्यों शांत है अधिकारी? महसी ब्लॉक के वीडियो भी नहीं कर रहे इस ग्राम पंचायत की कभी जाँच। एक भी घर पे तिरपाल नहीं मजबूत, न शौचालय, न त्रिपाल, न आवास, न सड़क। कैसे ग्रामीण करेंगे जीवन यापन? हमारे साथ यहाँ के कुछ ग्रामीण मौजूद हैं, चलिए उनसे लेते हैं सीधी जानकारी, क्या है उनकी समस्याएं। भैया क्या नाम है आपका? भगवान दीन। भगवान दीन, क्या समस्याएं हैं? हमारी समस्या यही है, न आवास मिलती है भाई, न रास्ता है निकलने जाने के लिए, इधर उधर बाढ़ भर जाती है तो कोई रास्ता नहीं है निकलने के लिए। आपने यहाँ के आला अधिकारियों को कोई सूचना दी? कोई सूचना तो कोई नहीं दी, मतलब बस तो सारी सूचना पावत है लेकिन यहाँ कोई ना करते कुछ। ठीक है, अब सारे अब देख लो कौन मेरा है, कैसे है, कैसे क्या करें हम लोग। कितने दिन हो गया यहाँ प्रधान की कार्यशैली को? 4 साल हो गया। 4 साल हो गया। इस ग्राम पंचायत के अंदर कितनी शौचालय बने हुए हैं अभी तक? शौचालय अब आप सामने देख रहे हो ना, आप गांव में आप देख रहे हो शौचालय कहाँ? आपको तो कुछ अनुमान होगा ही कि कितने शौचालय बने हैं? मेरे सामने तो कुछ नहीं बने हैं। एक दिन है भैया, आपका क्या नाम है? क्या है इस गाँव की समस्या? क्या है कार्य प्रणाली इस ग्राम पंचायत की? गुरदत्त सिंह गरेठी। भैया आपका क्या नाम है? दिवाकर। दिवाकर, क्या है इस ग्राम पंचायत की समस्या? समस्या यह है सर, ना कॉलोनी मिली, ना लेटरिन मिली, ना तो कोई रास्ता है, ना सिर्फ आपको ही नहीं मिली है कि अन्य ग्रामीणों को भी नहीं मिली है? कोई कोई नहीं मिली यहाँ पे। आखिर क्या हो रहा है यहाँ पर? अब जो हो रहा है जो आप भैया, यहाँ पर देखा जाए तो स्वच्छ भारत अभियान प्रधानमंत्री मोदी के योजनाओं को वंचित करने में लगे ग्राम प्रधान। देखिए यहाँ के क्या नजारा है। अगर इस गांव में होते शौचालय तो नहीं होती सड़कों की दुर्दशा। देखिए हम अपने कैमरामैन से कहते हैं दिखाएं पूरी नजारा कि कैसे क्या होती है यहाँ पे की कार्य प्रणाली। यहाँ पर हमारे साथ कुछ आदमी जुड़े हुए हैं इस ग्राम के कि जो बताएंगे पूरी समस्या है कि कितने शौचालय बने हुए हैं, कितने लोग शौचालय के अंदर जाते हैं, क्या शौचालय, अगर इस ग्राम पंचायत के अंदर होते शौचालय तो नहीं होती रोड पर इतनी गंदगी। सफाई कर्मी बीडीओ प्रधान की सारी मिली भगत से यहाँ पर हो रहा गंदगी का कार्य। प्रधानमंत्री की योजनाओं को वंचित करने में जुटे ग्राम प्रधान। भैया क्या है नाम है आपका? तीरथ। कहाँ के निवासी हैं? गरेठी। क्या समस्या है? न कॉलोनी मिली साहब, न शौचालय मिला, न कोनो घर कुछ कोनो व्यवस्था है, ना आने जाने का कौन बढ़िया रास्ता है। ये समस्या है जौन है। आपका क्या नाम है और कहाँ के निवासी हैं? आपकी समस्या क्या है? श्याराम नाम है, गरेठी निवासी है, और समस्या यह है साहब, ना हमको 4 साल भाई ना आवास मिली है, ना लेटरिन मिली है, ना कोनो रोजे कुछ मिला नहीं है। आपने किसी से शिकायत की? शिकायत साहब कितने करी, सुना सुनवाई है ही नहीं। प्रधान क्या कर रहे हैं आपके? प्रधान साहब इधर उधर घूम रहे हैं, तड़िंग तोड़ा मचाओ सब। नाम है आपका? प्रीति। कहाँ के निवासी हैं? गरेठी। क्या समस्या है आपकी? आपकी समस्या है कि घर कुरिया ना है और टूटी फूटी मड़ैया है, इसमें रहा जाता है।
पाँच साल बीतने को आए हैं प्रधान की कार्यशैली को, आप को शौचालय मिला नहीं, आवास मिली नहीं, क्या कह रहे हैं प्रधान? प्रधान भी कुछ नहीं कह रहे हैं, मिलेगा कि नहीं मिलेगा। देखा जा रहा है कि यहाँ की समस्याएं बहुत ही जर्जर हैं, आप कैसे रह रहे होंगे? हाँ आई थी। क्या है पूरी जानकारी? बारिश हो रही है तो ये हमें रहने के लिए ठौर नहीं है, बच्चों को कस के लेके जावा जाए, कहाँ रहा जाए। इसका मतलब कहें, आपका कहने का मतलब है कि सरकार की सारी योजनाओं से वंचित है पूरा ग्रामीण?